नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके काफ़ी चर्चित सवाल के ऊपर, जिसका कि एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम विद्यार्थियों से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं हर एक किसी के दिमाग में ये सवाल रहा है। और क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो भाई कभी ना कभी आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस सवाल का जो है को फेस किया होगा और उस सवाल की जो इम्पोर्टेंस है उसको महसूस किया होगा। बिल्कुल, डे 10 में आज हम बात करने वाले हैं KVS के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिल्कुल आपसे इस चीज़ को उम्मीद रखी जाती है कि पूछा जाएगा। और वो है कि भाई आप केंद्रीय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, या फिर आपने अध्यापक बनने का रास्ता ही क्यों चुना, या फिर आपने KVS को ही क्यों चुना, ऐसी क्या खास बात है। ये सवाल किसी भी तरीके से प्रस्तुत हो सकता है आपके सामने, लेकिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस सवाल का जवाब देते हुए। आज मैं इसको कोशिश करूंगी 6 से 7 पॉइंट्स में समेटने की। जो पॉइंट्स उसमें से आपको अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल उसको चुन लीजिए, आप अपने हिसाब से उसको वर्णन कर सकते हैं, एलिबरेट कर सकते हैं और इंटरव्यूअर्स के सामने रख सकते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जो प्रश्न है अपने आप में काफी गंभीर प्रश्न है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि कुछ चंद लाइनों में सवाल का जवाब दे पाना काफी मुश्किल काम है। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच को चूज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आप अध्यापक बनने वाले हैं। और सही कहें तो इस जितने भी हमारे कैंडिडेट्स इस बार इंटरव्यूज में अपीयर होंगे, सभी के लिए जितने भी बच्चे आएंगे उन सबके लिए अलग अलग तरीके का डेफिनेशन होगा कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जनरल बातें होती हैं कि भाई ये तो है ही, उसके अलावा आप क्या ऐड ऑन करते हैं, वो आपके इंटरव्यू को खास बनाती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, जो शब्द टीचर है कहीं ना कहीं अपने आप में खुद ही एक डाइवर्स शब्द है, जो कि आपको भारत की जो है विभिन्नता से कहीं ना कहीं जोड़ता है, उसको उसकी अखंडता से जोड़ता है, जहाँ पर आप हर रोज हर घंटे कहीं ना कहीं एक नए दिमाग से, एक नए माइंडसेट से, एक नए विद्यार्थी से, एक आने वाली न्यू जनरेशन से, या फिर आप यूँ कहें कि आप कोशिश करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं आपकी क्लास में उनको एक नई चीज़ सिखा पाएं, यानी कि आप हर घंटे 30 विद्यार्थियों के ऊपर अलग अलग नज़रिए से काम कर रहे हैं, एक बार में सोच रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी खास बनाती है इस प्रोफेशन को। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एक लर्निंग है कि आप हर घंटे हर मिनट हर दिन हर रोज एक नई एक्टिविटी से, किसी बच्चे से, उसकी बातों से, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी साइकोलॉजी से, उसके माइंडसेट से, उसके थॉट प्रोसेस से सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख के अपने घर जा रहे हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस में एड ऑन हो रहा है। और लर्निंग क्या है, साइकोलॉजी क्या कह रही है, ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो आपने अपनी जिंदगी में शुरू से होश संभालने से लेकर के अपने जो है आखिरी सांस तक जो आप करेंगे वही आपका दरअसल एजुकेशन है। तो एजुकेशन को एक लर्निंग फेज में लेकर के जाना एक अपने आप में काफ़ी टफ टास्क है, लेकिन एक टीचर होने के नाते हम उस टफ टास्क को कैसे एक ईजी टास्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद यही एक टीचिंग की खासियत है। बाकी पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि भाई एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए जो है बैकग्राउंड से जुड़ने की, नए विद्यार्थियों से जुड़ने की, जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, एक नए बेहतर शेड्यूल को फोकस करते हैं, लेकर चलते हैं, अनुशासन को साथ में लेकर के चलते हैं, जहाँ पर आप हर घंटे या कहें कि हर एक पीरियड जब खत्म होता है तो वहाँ पर खेलने का एक समय है, खाने का एक समय है, बच्चे के सवाल पूछने का, हाथ खड़ा करने का समय है, क्लास में आने के पूछने का समय है, प्रेयर में जाने के लिए आपका शूज, आपका टाई बेल्ट, आपकी शर्ट, वो सब कुछ आपका साफ सुथरा और आपके साथ होना चाहिए। और शेड्यूल में बिल्कुल वो एक खास एक्टिविटी जब प्रेयर होती है, आप सभी ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया ही होगा कि किस तरीके से आप एक स्टूडेंट से एक टीचर बने। और खास तौर पर यहाँ पर जो बात करेंगे, सैलरी स्केल तो है ही KVS संगठन की खास बात, क्यों सर्वाइवल तो है इम्पोर्टेंट ना, उसके बिना तो नहीं काम चल सकता। अल्टीमेटली आप काम क्यों करें, अपने सर्वाइवल के लिए, और उससे भी ज़्यादा सर्वाइवल एक है कि रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा है कि भाई प्रोफेशन तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन को चूज़ करना जिसमें से रह करके आप न सिर्फ अपने रोटी कपड़े और मकान के इंतजामातों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ काफ़ी हद तक वो एक 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 न्यू जनरेशन को बिल्डअप कर रहे हैं, आप एक नेशन खड़ा कर रहे हैं और उस नेशन में एक दिमाग को आप बना रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस, एक आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक सही दिशा दे रहे हैं, जो कि हर एक
व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक टीचर ये काम कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की अगर मैं बात करूँ, क्रिएटिविटी एक खास बात है। क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि अगर आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी एक अलग क्रिएटिविटी होगी, जो कि आपको एक कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर लेकर के जाती है, आपको समझाती है, दिखाती है कि लाइफ में स्किल्ड होना, क्रिएटिव होना या एनालिटिकल तरीके से सोचना, अपने दिमाग को हमेशा जो है खुले विचारों से भरे रखने के लिए, अपनी जो है क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए आपको क्रिएटिव होना, सिर्फ विद्यार्थियों का ही नहीं अध्यापक का भी क्रिएटिव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग हमारी कैसे हो रही, लर्निंग हमारी वाइस वर्सा हो रही है। तो जब सीखने की एक आपके अंदर चाह है, एक पैशन है कि हमें सिर्फ काम नहीं करना है, हम सीखने के लिए आए हैं, आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उससे कुछ सीख कर जा रहे हैं, कुछ नया लेकर के जा रहे हैं, और हर दिन हर घंटे हर क्षण आप नया सीख रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है कि कुछ बोरियत नहीं है, आज जाना है, कुछ नया पढ़ाना है, नया सीख करके आना है। तो इसलिए हम केवी संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और संगठन शब्द अपने आप में ही एक ऐसा सकारात्मक शब्द है जो कि न सिर्फ अध्यापकों को बल्कि विद्यार्थियों को आपस में जोड़ता है, बल्कि एक सकारात्मक सीढ़ी तक लेकर जाता है, जो कि भारत के अखंडता में, उसकी विभिन्नता में चार चांद लगाता है और उसको एक बेहतर दिशा, एक बेहतर कह सकते हैं कि ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है, और वो काम सिर्फ एक अध्यापक कर सकता है। सो ये तो मेरी तरफ से था। अगर आपकी तरफ से अगर कुछ कमेंट है, बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगी कि आप कमेंट कीजिए, बताइए कि भाई आप क्यों अध्यापक बनना चाहते हैं, केवीएस संगठन आपके लिए क्यों खास है। और बिल्कुल दिलचस्प होगा ये जानना कि अलग अलग विचारों का से समावेश करना, जिससे कि जब ये बच्चे वीडियो देखेंगे, कैंडिडेट्स वीडियो देखेंगे, तो उनको बहुत हद तक इससे मदद मिलने वाली है। तो एक सहयोग आपका भी कमेंट करके यहाँ पर तो बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है, कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए भीड़ द कॉम्पिटिशन के साथ।